दोस्तों आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आप देख रहे हैं R95 फिशिंग। आज कतले के लिए एक नए चारा लेकर हाजिर हूँ। और अगर आप लड्डू से, सत्तू के लड्डू या सूजी के लड्डू से कतला शिकार करते हैं, जिस तालाब में, जिस झील में आपको अलाव नहीं है कि आप लड्डू से मारें, सत्तू या सूजी का लड्डू मारें, तो उस वक्त आपको 2 कांटा में शिकार करना या 3 कांटा आपको इजाज़त देता है शिकार करने के लिए। उस वक्त आपको कौन सा टोप इस्तेमाल करें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा कतला शिकार हो, तो आपको आज हम कतले का चारा बनाकर दिखाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले ये एक रोटी लिया है, हम एक ही रोटी के लिए आपको बना के दिखाते हैं और फिर बाकी आपको जितना लगेगा ज़रूरत, आप उसी हिसाब से अपना बढ़ाते चले जाइएगा। तो सबसे पहले ये देखिए, जो ब्राउन वाला हिस्सा है इसको हम लोग छुड़ा देते हैं, कतला शिकार करने में इसको हम लोग छुड़ा देते हैं। बाकी बहुत सारा मछली होता है जिसमें हम लोग नहीं भी छुड़ाते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसको पहले अच्छा से चूर लेते हैं। इसको बढ़िया से चूर लीजिएगा एकदम। चूरने के बाद इसमें कौन कौन सा सामान लगता है ये आपको हम दिखाते हैं। ये बहुत ही बेहतरीन चारा है, लड्डू की जगह में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पश्चिम बंगाल में ज़्यादातर आदमी सत्तू के लड्डू या सूजी का लड्डू से शिकार करता है कतला मछली। और इसमें खूबी ये है कि ये कतला का चारा है और इसमें और भी मछली लग जाता है, जैसा रेहू मछली है वो भी इसमें शिकार होता है, मगर ये स्पेशली ये कतला का है। और तेलापिया है तो तेलापिया भी आपका लग जाएगा, तेलापिया तो हर चार को खा जाता है। आपका कतला का चार हो या पुठिया का चार हो, जिस चारा मिलेगा वो हर चारा को खाता है तेलापिया, ऐसा राक्षस मछली है। तो देखिए दोस्तों, इसको बढ़िया से एकदम हम चूर कर लेते हैं। आप भी इसी तरह देखिए, मेरे साथ जुड़े रहिए। अब बहुत ही ये कारगर चारा है और ये चारा आपको हर मौसम में काम आता है। ये सर्दी का मौसम है, इसमें भी शिकार कर सकते हैं, इसके बाद गर्मी आएगा उसमें भी आप शिकार कर सकते हैं, उसके बाद बारिश होगा, बरसात का मौसम आएगा उसमें भी आप शिकार कर सकते हैं। ये हर मौसम के लिए बेहतरीन चारा है। और चारा जो भी आपको देते हैं ये अजमाया हुआ चारा होता है, कोई अलग से चारा नहीं देते जिससे आपका शिकार नहीं होगा। अब है कि कौन सा तालाब में, कौन सा झील में कौन सा चारा खाता है ये तो हम नहीं बता सकते हैं, मगर हमारे यहाँ ये सब चारा जो बना के आपको दिखाते हैं, पश्चिम बंगाल में कहीं भी शिकार करते हैं हम लोग का, ये सब चारा से मछली शिकार होता है और 100% शिकार होता है। देखिए दोस्तों, इसको किस तरह मैंने एकदम छोटा छोटा महीन एकदम पूरा बुरादा कर दिया इसका, कैसा लग रहा है आपको? नारियल के डस्ट की तरह लग रहा है। देखिए अब इसमें डालेंगे आपको भात पुलाव। देखिए ये भात पुलाव आपको दिखा रहे हैं। आपको एक स्लेस रोटी में कम से कम आपको 2 चम्मच भात पुलाव दे रहा है। देखिए ये भात पुलाव हमने बना के रखा है, भात पुलाव का वीडियो हमारा उसमें दिया हुआ है आपको लिंक। बस ये छोटा चम्मच है, इसका 2 चम्मच ये भात पुलाव है। और उसके बाद इसमें डालेंगे हम ये घी 1 चम्मच। तो सबसे पहले आपको मिला के दिखाते हैं हम भात पुलाव। इसमें बहुत ही अच्छा से इसको मिलाना है ताकि एकदम भात पुलाव और पावरोटी एक बराबर से एकदम गूंधा जाए। इसको बढ़िया से गूंधना है। भात पुलाव से इलायची निकल रहा है, ये इलायची है। आपको पानी का दरकार नहीं पड़ेगा, इसमें बहुत ही बेहतरीन खुशबू आता है। जब भात पुलाव आप मिला करके ये चारा बनाएंगे तो इसमें इतना बेहतरीन खुशबू आएगा कि आपको मन करेगा कि हम भी खा लें ये चारा। इसलिए भात पुलाव में, जो हम भात पुलाव बनाया है उसमें घी है, नारियल का तेल है, इलायची है, जौत्री है, ये दे करके हमने बनाया है। देखिए दोस्तों, ये अब इसमें देंगे थोड़ा सा घी, लगभग छोटा चम्मच है, छोटा टीस्पून का एक चम्मच घी देंगे इसमें। बस एक सिले से इसी मारे थोड़ा सा घी दें। आप अगर ज़्यादा बनाएंगे तो ज़्यादा के हिसाब से आपको ज़्यादा घी लेने होगा। अब इसमें थोड़ा चूड़ी गंडा मिलाएंगे, चूड़ी गंडा इसी के संग मिला के रखना है। और एक कतले का चारा और भी है, पावरोटी के संग है, वो भी आपको बना के दिखा के, मगर उसको बनाने से पहले आपको 3 दिन बना कर रखना होगा। चूड़ी गंडा थोड़ा से ले, ज़्यादा इसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगा आपको। देखिए इतना ज़रा से चूड़ी गंडा है, ये चूड़ी गंडा है, ये मैंने पहले शिकार में बैठा था उस टाइम हमने चूड़ी गंडा लाया था। ये चारा तो कतला को तो पसंद आता है, कतला इस चारे में शिकार होता है, प्लस आपका
रेहू भी शिकार होगा, तेला पिया है वो भी शिकार होता है। देखिए दोस्तों, चारा हमारा रेडी हो चुका है। अब आपको हम कांटे पे लगा के दिखाएंगे। हर बार कांटे में लगा के दिखाते हैं, इस बार भी आपको कांटे में लगा के हम दिखाएंगे। देखिए, इसमें आपको चूड़ी गंडा भी नज़र आ रहा है। देखिए, सब चूड़ी गंडा इसके अंदर नज़र आ रहा है। ये देखिए, अब तो कांटा में हम लगाते हैं। देखिए, ये कांटा है, ये कांटा में आपको लगा के हम दिखाते हैं इस तरह इसमें लगाना है। बहुत ही आसान है लगाना, कोई बड़ा बात नहीं है दोस्तों। चलिए, ऐसा गोल किए और उसके बाद ये पूरा कांटा छुपाकर इसको चारे को इस तरह लगाना है। बराबर हम इस तरह लगा के दिखाते हैं, क्योंकि इसी तरह हम लोग मछली शिकार करते हैं। जब दो कांटे पे अगर कतला शिकार करना है, बड़ा मछली शिकार करना है, तो इसी तरीके से लगा के शिकार करते हैं। देखिए दोस्तों, बस इस तरह इसको लगाना है। देखिए, इस तरीके से लगाना है। ये हमारा चारा भी बन चुका और कांटा में चारा हमने लगा दिया। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो में। चारा और चराई के संग जय हिंद।